नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। हमारे साथ है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। इनकी एक नई मूवी आ रही है, इन्हीं से जानते हैं कि क्या मूवी है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी नई मूवी से। खेसारी लाल यादव, एक जीवन की संघर्ष है। सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम मेरा। और एक जीवन की संघर्ष है, और वो संघर्ष किसी के लिए हो सकता है? एक बाप अपने बेटे के लिए भी करता है, एक बेटा अपने बाप के लिए भी करता है, एक बेटी अपने बाप के लिए कर रहा है। और इसमें एक बेटी अपने बाप के लिए कर रही है और एक बाप अपने बेटी के लिए कर रहा है। और समाज का बहुत बड़ा आईना है ये। मुझे लगता है कि जो बेटा और जो बेटी इस सिनेमा को देख लेगी, शायद अपने बाप और मम्मी पापा की इज्जत उसके नज़र में बहुत बढ़ जाएगी। और जो माँ बाप इस सिनेमा को देख लेंगे, शायद अपने बच्चों के लिए जो प्यार है, अपने बेटी के लिए जो प्यार होता है। और एक और इसमें मैसेज है कि पहली बार किसी सिनेमा में दिखाया गया है कि बेटी कुल के नाम को कितना बड़ा ऊंचा करती है। मैंने अपने पापा का नाम ऊंचा तो नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे बाप का नाम ऊंचा कर दिया, उस गांव का, उस शहर का। तो कैसे एक संघर्ष करके एक पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाता है, और एक पिता कैसे, एक माँ बाप कैसे अपने बच्चों के लिए करते हैं, और एक बच्चे अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं, ये संघर्ष है। तो मैं चाहूँगा कि इसको हर उस माँ बाप को दिखना चाहिए, और हर उस बेटी को दिखाना चाहिए, और हर उस बच्चों को दिखना चाहिए इस सिनेमा को। कल चल के मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो इस सिनेमा देखकर सुधरेगा, और कोई अपने बच्चे अपनी बेटी के लिए अगर दिल में इज्जत बढ़ गई, अपने माँ बाप के लिए दिल में इज्जत बढ़ गई, तो शायद ही हमारा सिनेमा बनाना सार्थक। सिनेमा पर अश्लीलता के आरोप लगते रहे हैं, अब खेसारी लाल यादव इस विडम्बना को बदलने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, जो बरसों से चीज़ें आ रही है उसको मैं तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को तो बदल सकता हूँ। मैं समाज को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को बदल सकता हूँ। और शायद अगर हम बदले तो हर आदमी बदलने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक उंगली ऐसे उठाते हैं तो ये तीन उंगली हमारी तरफ है। हम अगर किसी दूसरे को दोषी बनाते हैं तो इसमें देखिए तीन उंगली हमारी तरफ है, और ये कह रही है कि उसमें 25% गलती है, तो तुम इतना डांट रहे भाई, 75% तो तुम्हारे अंदर है। तो हमें खुद को सुधारना और खुद को कहीं ना कहीं समाज के आईना बनना ज़रूरी है। दुनिया अपने आप बन जाती। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा सिनेमा दूँ जिससे अगर हमारा एक भी आदमी उस सिनेमा से सीख ले लेता है, तो शायद हमारा वो सिनेमा बनाना सार्थक हो जाएगा। 24 अगस्त को संघर्ष आ रही है, रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को समर्पित है, जनता से फाइनल अपील। यस, मैं उस बेटियों को समर्पण, उन बहनों को समर्पण, उन माँ बाप को भी ये समर्पण कर रहा हूँ ये सिनेमा संघर्ष, कि प्लीज़ आप इस संघर्ष को अपने बच्चों के साथ प्लीज़ बांटिए, और वो बच्चे भी अपने माँ बाप को ज़रूर लेकर जाएं कि संघर्ष का मतलब क्या होता है। और रिश्तों के लिए जो संघर्ष होती है वो बहुत कठिनाई होती है। हमें खुद को संघर्ष करके अगर हमें बड़ा आदमी बनना होगा, तो शायद मैं अकेला बन भी सकता हूँ, लेकिन परिवार के साथ, परिवार के बारे में सोचकर, और सारे परिवार को संघर्ष के में लाकर, और सारे परिवार को आप अगर तरन तार कर देते हैं तो बहुत बड़ा संघर्ष होता है, और वही एक संघर्ष है। तो मैं अपील करूँगा आप सबसे कि प्लीज आप लोग भी, और अपने माँ बाप को भी लेकर जाइए, और खुद को संघर्ष कैसे होती है एक अपनों के लिए, वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। तो बहनों को समर्पित कर रहे हैं खेसारी लाल यादव अपनी इस मूवी को संघर्ष। 24 अगस्त को आ रही है, पटना के सिनेमाघरों के साथ साथ मल्टीप्लेक्स में भी आपको मिलेगी। बहरहाल आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ।